ओरेकल डेटाबेस सीखने के लिए हमारे चैनल लर्न कोडिंग को सब्सक्राइब करें। आज का हमारा टॉपिक है कंस्ट्रेंट में हम आपको ये बताएंगे ओरेकल डेटाबेस में कि जब हम दो टेबल को आपस में जोड़ते हैं इस कंस्ट्रेंट की मदद से तो एक टेबल होता है मास्टर टेबल, एक होता है चाइल्ड टेबल। तो अगर आप चाइल्ड टेबल के डेटा को रिकॉर्ड को डिलीट करना चाहें तो आप कर सकते हैं, लेकिन ये मास्टर टेबल का रिकॉर्ड हम डिलीट नहीं कर पाते हैं अगर दो टेबल आपस में जुड़े हुए होते हैं तब। तो कैसे डिलीट करेंगे और ये डिलीट होगा भी कि नहीं, सारी चीज़ें प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगा मैं आपको। तो सबसे पहले देख लेते हैं बाय द हेल्प ऑफ ओन डिलीट क्लाउज ये काम कैसे होगा, लेकिन उससे पहले क्या होगा वो देखते हैं। वेन एवर वी ट्राइंग टू डिलीट एनी रेफरेंस कॉलम वैल्यू देन इट्स नॉट पॉसिबल बिकॉज इट्स करस्पॉन्डिंग वैल्यूज आर इनसाइड द चाइल्ड टेबल फॉरेन की कॉलम। जब भी हम कोशिश करते हैं रेफरेंस की कॉलम का वैल्यू को डिलीट करने के लिए, रेफरेंस कॉलम का वैल्यू मतलब मास्टर टेबल का रेफरेंस कॉलम का वैल्यू अगर हम डिलीट करने की कोशिश करते हैं तो हम नहीं कर पाते हैं, ये पॉसिबल नहीं है। ठीक है, क्यों पॉसिबल नहीं है? क्योंकि ये जो रेफरेंस कॉलम में जो वैल्यू रहता है वही सेम वैल्यू फॉरेन की कॉलम में रहता है चाइल्ड टेबल के, इसी वजह से हम इस मास्टर टेबल के रेफरेंस कॉलम का वैल्यू डिलीट नहीं कर पाते हैं। तो कैसे डिलीट कर पाएंगे वो मैं आपको बताऊंगा, लेकिन सबसे पहले हम ये चेक कर लेते हैं प्रैक्टिकल करके कि सच में डिलीट नहीं कर पाते हैं कि ये झूठ है। आप देख सकते हैं हमारे डेटाबेस में दो टेबल बना हुआ है, एक है डीईपीटी यानी डिपार्टमेंट टेबल, एक है ईएमपी टेबल। तो ये वाला जो हमारा डिपार्टमेंट टेबल है ये हो गया हमारा मास्टर टेबल, और इस टेबल के इस डीआईडी कॉलम में लगा हुआ है प्राइमरी की, तभी देखो यूनिक वैल्यू यहाँ पे है 10, 20, 30, 40। अब बात करते हैं ईएमपी टेबल हो गया हमारा चाइल्ड टेबल, चाइल्ड टेबल में ये जो कॉलम आपको दिख रहा है ये हो गया हमारा फॉरेन की कॉलम, और इसी फॉरेन की कॉलम के लिए ये डीआईडी कॉलम है रेफरेंस कॉलम, और यही दोनों कॉलम आपस में कनेक्ट है, इसी वजह से हमारा ये चाइल्ड टेबल और मास्टर टेबल भी जुड़े हुए हैं। आप चाहें तो दोनों का यूज़ करके रिकॉर्ड फेच कर सकते हैं, लास्ट वीडियो में मैंने आपको वो करके दिखाया है, आप चाहें तो उस वीडियो को देख सकते हैं। अभी फ़िलहाल मैं आपको ये दिखा देता हूँ कि ये दोनों टेबल क्रिएट कैसे हुआ और कैसे ये आपस में कनेक्ट हुए हैं। ठीक है, वो क्वेरी आपको जानना चाहिए। तो ये देखो, ये हो गया हमारा मास्टर टेबल डिपार्टमेंट क्रिएट करने का क्वेरी। ठीक है, अब अगर आप इस टेबल को क्रिएट करने का क्वेरी देखेंगे तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये हो गया हमारा चाइल्ड टेबल ईएमपी को क्रिएट करने का क्वेरी। ठीक है, अब मुझे आपको बताना क्या है, मान लो मुझे ईएमपी टेबल के एक एम्प्लॉय का रिकॉर्ड डिलीट करना है। मुझे क्या रिकॉर्ड डिलीट करना है? मुझे जिस एम्प्लॉय का नेम अंकित है मुझे उसका रिकॉर्ड यहाँ से डिलीट करना है। अभी हम चाइल्ड टेबल के रिकॉर्ड को डिलीट करके दिखा रहे, होता है कि नहीं। डिलीट फ्रॉम टेबल का नेम है ईएमपी, किसका डिलीट करना है? जिसका नेम अंकित है। ठीक है, वेयर ई नेम इक्वल, यहाँ पे अंकित लिख देंगे। क्या ये रिकॉर्ड डिलीट होगा चाइल्ड टेबल का, देख लेते हैं। यहाँ पे लिखा गया वन रो डिलीटेड, इसका मतलब रिकॉर्ड डिलीट हो चुका है। हम आपको दिखाना चाहेंगे सेलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल का नेम ईएमपी। आप देखिए यहाँ पे तीन रिकॉर्ड है, ये वाला रिकॉर्ड डिलीट हो चुका है, ये नहीं है। तो अगर दो टेबल आपस में कनेक्टेड हैं तो आप चाइल्ड टेबल के रिकॉर्ड को डिलीट कर सकते हैं। मान लो ये कंपनी है, ठीक है, ये हमारा कंपनी है और इस कंपनी में ये सभी एम्प्लॉय काम करते हैं। तो अगर कोई कंपनी चाहेगा तो अपने एम्प्लॉय को जॉब से निकाल सकता है, बिल्कुल। तो यहाँ पे देखो ये अंकित निकल गया, कंपनी ने इसे हटा दिया, ये जो फाइनेंस डिपार्टमेंट था अंकित को बोला कि तुम नौकरी छोड़ दो, हम तुम्हें काम नहीं देंगे, कंपनी ने डिलीट कर दिया। तो ये ईएमपी का रिकॉर्ड डिलीट हो सकता है, लेकिन क्या आपने ऐसा कभी सुना है कि ये जो एम्प्लॉय है ये जहाँ काम करता है ये वहीं काम करता रहे लेकिन कंपनी हट जाए? ऐसा नहीं होता। अगर आप इसका भी लाइव डेमो देखना चाहें तो हम दिखा सकते हैं नमूना आपको। यहाँ पे मान लो मुझे डिपार्टमेंट यानी मास्टर टेबल का कोई रिकॉर्ड डिलीट करना है, मुझे कौन सा रिकॉर्ड डिलीट करना है? मुझे जिसका डीआईडी 40 है उसका रिकॉर्ड डिलीट करना है, ये वाला रिकॉर्ड मुझे क्या करना है? डिलीट करना है। तो यहाँ पे मुझे क्वेरी क्या देना पड़ेगा? क्वेरी बड़ा ही सिंपल है, वेयर डीआईडी इक्वल, उसके बाद फाइनेंस डिपार्टमेंट का डीआईडी कितना है? 40 है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 40। ठीक है, आप कोई भी कॉलम यूज़ करके रिकॉर्ड डिलीट कर सकते हैं। ठीक है, अब एंटर मारते हैं। यहाँ पे देखिए ये रिकॉर्ड भी डिलीट हो चुका है, ये इसलिए डिलीट हुआ है क्योंकि ये जो हमारा डीआईडी 40 है ना,
40 नाम का कोई भी डेटा हमारे इस चाइल्ड टेबल में नहीं है, रेफरेंस कॉलम में 40 नाम का कोई डेटा नहीं है, इसीलिए ये वाला रिकॉर्ड हमारा फाइनेंस डिपार्टमेंट का डिलीट हो गया। ठीक है, अगर हम आपको दिखाना चाहें तो दिखा सकते हैं। फिर हम आपको ये भी दिखाएंगे कि कौन सा रिकॉर्ड डिलीट नहीं होगा। ये देखो, ये वाला रिकॉर्ड डिलीट हो चुका है, 3 रिकॉर्ड ही बचा है। लेकिन अब मान लो मुझे ये रिकॉर्ड डिलीट करना है, जो सेल डिपार्टमेंट है जिसका DID 10 है, मुझे ये रिकॉर्ड डिलीट करना है, और ये जो हमारा 10 वैल्यू है रेफरेंस कॉलम में, वो वैल्यू हमारा यहाँ पे भी है, तो क्या ये हम डिलीट कर सकते हैं? देखते हैं। क्या डिलीट करना है मुझे? मुझे मास्टर टेबल का ये रिकॉर्ड डिलीट करना है जो कि चाइल्ड टेबल से बिलोंग कर रहा है, यहाँ पे देखिए 10 है। तो अगर ये क्वेरी हम मारेंगे तो ये रिकॉर्ड डिलीट नहीं होगा। ये देखो, इंटीग्रिटी कॉन्स्ट्रेंट वायलेटेड चाइल्ड रिकॉर्ड फाउंड, ये बोल रहा है कि ये जो जिसका DID 10 है वो रिकॉर्ड चाइल्ड टेबल यानी EMP टेबल में अवेलेबल है, इस वजह से आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे देखिए रिकॉर्ड अवेलेबल है, इस वजह से आप क्या कर सकते हैं, इसे डिलीट नहीं कर सकते। यहाँ पे 20 है, 30 है और 10 है, इसका मतलब ये 3 रिकॉर्ड को आप डिलीट नहीं कर सकते मास्टर टेबल से। लेकिन अभी आपका रिक्वायरमेंट आया, किसी ने आपको कहा कि नहीं मुझे डिलीट करके ही दिखाओ, तो चलिए हम जानते हैं कॉन्सेप्ट कि कैसे डिलीट करेंगे, कैसे होगा डिलीट। सेकंड पॉइंट में लिखा है, बट इफ़ यू फोर्सली वांट टू डिलीट द रेफरेंस कॉलम वैल्यू देन इट कैन बी पॉसिबल बाय द हेल्प ऑफ डिलीट क्लाउज। लेकिन अगर आप ज़बरदस्ती डिलीट करना चाहते हैं रेफरेंस कॉलम का वैल्यू को, तो आप डिलीट क्लाउज की मदद से कर सकते हैं। इसमें भी दो टेबल आपस में कनेक्टेड ही रहेंगे, फिर भी वैल्यू आप डिलीट कर पाएंगे इसकी मदद से। तो दो टेक्निक होता है डिलीट क्लाउज को यूज़ करने का, रेफरेंस कॉलम की वैल्यू को डिलीट करने का। पहला होता है ओन डिलीट कैस्केड, ओन डिलीट सेटनल, ये दूसरा होता है। तो इन दोनों को आप अप्लाई तभी करेंगे जब आप टेबल क्रिएट करते हैं, क्रिएशन के टाइम ही आपको इन्हें यूज़ करना है। इनका यूज़ करने का मेन मकसद यही होता है, आपका टाइम और मेहनत बचाने के लिए ये डिलीट क्लाउज का कॉन्सेप्ट लाया गया है। कैसे? मान लीजिए आपने दो टेबल को जोड़ दिया, अब आपको पहले टेबल से कोई रिकॉर्ड हटाना है, अगर आप इनको यूज़ नहीं करेंगे तो आप नहीं हटा सकते, फिर आपको टेबल ही ड्रॉप करना पड़ जाएगा, तो आपकी सारी मेहनत बेकार हो सकती है। लेकिन अगर आप टेबल क्रिएट करते समय इनको अप्लाई कर देते हैं, तो आपका टेबल डिलीट नहीं करना पड़ेगा, आप रिकॉर्ड डिलीट कर पाएंगे। तो चलिए प्रैक्टिकल करके देखते हैं ये सच है कि नहीं। सबसे पहले हम क्या करते हैं, अपने दोनों टेबल को ड्रॉप करते हैं। ठीक है, ड्रॉप टेबल, टेबल का नेम DEPT, टेबल ड्रॉप। यहाँ पे ये हमारा मास्टर टेबल अभी ड्रॉप भी नहीं हो सकता, क्योंकि ये चाइल्ड टेबल के फॉरेन की कॉलम के साथ रेफरेंस बना के कनेक्टेड है। तो पहले हमें चाइल्ड टेबल को ड्रॉप करना पड़ेगा। ठीक है, अब मास्टर टेबल भी ड्रॉप हो जाएगा, क्योंकि चाइल्ड अब नहीं है, रिलेशनशिप ब्रेक हो गया है दोनों टेबल के बीच, कनेक्शन हट चुका है, अब ये भी ड्रॉप हो जाएगा। ठीक है, अब स्टार्टिंग से स्टार्ट करते हैं। टेबल हम बनाए कैसे थे, क्वेरी आपको दिखाना चाहूँगा जो स्टार्टिंग में मैंने दिखाया था। ये हो गया हमारा मास्टर टेबल बनाने का क्वेरी। सबसे पहले यहाँ पे दिखा दूँ टेबल अवेलेबल है कि नहीं। ठीक है, क्योंकि अभी अभी हमने क्या किया, ड्रॉप किया है। देखो यहाँ पे टेबल डज नॉट एग्जिस्ट, DEPT टेबल भी नहीं है, EMP टेबल भी नहीं है, क्योंकि अभी अभी हमने ड्रॉप किया दोनों को। अब हम क्या कर रहे हैं, DEPT टेबल फिर से सेम तरीके से यहाँ पे क्रिएट कर रहे हैं, टेबल बन चुका है। अब इसी तरह से हम क्या कर रहे हैं, एक चाइल्ड टेबल भी क्रिएट कर रहे हैं। ये वाला जो क्रिएट किया ना, ये मास्टर टेबल था जो अभी बना, अब चाइल्ड टेबल बना रहे। तो चाइल्ड टेबल जब आप क्रिएट करेंगे ना, तभी आपको यहाँ पे लास्ट में लिखना है ऑन डिलीट कैस्केड। ठीक है, अगर आप इतना लिख देते हैं टेबल क्रिएशन के टाइम, इसका मतलब ये होता है कि हमारा जो मास्टर टेबल DEPT है, वो अपने रिकॉर्ड को जब चाहे डिलीट कर सकता है, बिना EMP यानी चाइल्ड टेबल के रिकॉर्ड के ऊपर डिपेंडेंट हुए बिना कर सकता है। अब अगर एंटर मारेंगे, हमारा टेबल क्रिएट हो जाएगा। अभी टेबल क्रिएट हो चुका है, अब क्या करते हैं, सेम यही रिकॉर्ड हम इंसर्ट कर लेते हैं फटाफट, चार चार रिकॉर्ड दोनों टेबल में रिकॉर्ड इंसर्ट हो चुका है, हम चाहें तो आपको दिखा सकते हैं। ठीक है, ये देखो DEPT टेबल मास्टर टेबल में रिकॉर्ड आया, और चाइल्ड टेबल में भी रिकॉर्ड आ चुका है। रिकॉर्ड कैसे इंसर्ट करते हैं, अगर आपको नहीं पता है तो लास्ट वीडियो में मैंने बताया है, आप हमारे वीडियो को देख सकते हैं प्लेलिस्ट में जाके। ठीक है,
अभी हम आपको ये बताते हैं कि अब रिकॉर्ड कैसे डिलीट करते हैं। मान लो मुझे इस 20 वाले आईडी के रिकॉर्ड को डिलीट करना है, तो क्या हम डिलीट कर सकते हैं मास्टर टेबल से इस वाले रिकॉर्ड को? पहले तो हमने आपको दिखाया था तो डिलीट नहीं कर पा रहे थे हम, ठीक है, क्योंकि ये जो 20 आईडी है ये हमारा फॉरेन की कॉलम में भी बिलोंग कर रहा था, लेकिन अब हम डिलीट कर पाएंगे क्योंकि हमने ऑन डिलीट कैस्केड लगाया था इस टेबल को बनाते समय। इसका मतलब हम EMP टेबल को ये बता दिए थे कि मास्टर टेबल जब चाहे अपने रिकॉर्ड को डिलीट कर सकता है, फिर चाहे वो भले उसके फॉरेन की कॉलम में बिलोंग करता हो। तो यहाँ पे अगर हम लिखें डिलीट फ्रॉम DEPT वेयर, किसका रिकॉर्ड मुझे डिलीट करना है? मुझे ये वाला रिकॉर्ड डिलीट करना है मास्टर टेबल में, वेयर DID इक्वल 20। वन रो डिलीटेड, इसका मतलब मुबारक हो, हम रिकॉर्ड डिलीट कर पाए हैं, रिकॉर्ड डिलीट हो चुका है। आप देखिए ये रिकॉर्ड नहीं मिलेगा, तो अभी रिकॉर्ड क्यों डिलीट हो गया? जबकि डिलीट तो नहीं होना चाहिए था, क्योंकि ये वाला जो वैल्यू है वो हमारा चाइल्ड टेबल का फॉरेन की कॉलम से बिलोंग कर रहा है। इसका मतलब ये दोनों रिकॉर्ड अभी बर्बाद हो गया, क्योंकि इनका डिपार्टमेंट आईडी हमने डिलीट कर दिया है। तो ऑन डिलीट कैस्केड या ऑन डिलीट सेट नल हमें ये अलाउ करता है कि अगर आप फोर्सली मास्टर टेबल के रिकॉर्ड को डिलीट करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। और मैं आपको यही रिकमेंड करूँगा कि जब भी आप 2 या 3 टेबल को आपस में जोड़ो तो चाइल्ड टेबल जितना भी हो ना उनमें आप ऑन डिलीट कैस्केड ज़रूर यूज़ कर दो। क्यों? क्योंकि हो सकता है कि बाद में हमें ऐसा रिक्वायरमेंट आ जाए कि हमें मास्टर टेबल से कोई रिकॉर्ड हटाना पड़ जाए, जैसे अभी मुझे ये रिकॉर्ड हटाना पड़ गया, मुझे ये हटाना था, तो ये हम क्यों हटा पाए? क्योंकि हमने ऑन डिलीट कैस्केड अप्लाई किया हुआ है। अगर हम ऑन डिलीट कैस्केड इस टेबल को बनाते समय अप्लाई नहीं करेंगे इसमें, तो मास्टर टेबल अपने रिकॉर्ड को कभी भी डिलीट नहीं कर पाएगा, क्योंकि ये डेटा इससे बिलोंग करता है यहाँ पे। तो उम्मीद करते हैं आपको कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। अगर आपको कंप्लीट ओरेकल डेटाबेस सीखना है तो यहाँ पे क्लिक कर दीजिए जो प्लेलिस्ट आपके स्क्रीन में शो हो रहा है।